मूवी स्टार्ट होती है तो हमें अपोकलिप्टिक टाइम दिखाया जाता है, यानी जब आज से हजारों साल पहले इंसानों जैसे नजर आने वाली मॉन्स्टर्स जिन्हें टाइटंस कहा गया है, उन्होंने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उनसे डर कर इंसानों को अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही बनाई गई दीवारों के पीछे सर्वाइव करना पड़ रहा है। और वो लोग दीवार के पीछे इस उम्मीद पर जिंदगी गुजार रहे थे कि अगर वो टाइटंस वापिस आ गए तो ये दीवार उनको सेव करेगी। लेकिन अब 100 सालों से ज्यादा गुजर चुके थे और लोग टाइटंस को भूलने लगे थे और अब टाइटंस की हिस्ट्री सिर्फ किताबों में लिखी गई कहानियों तक रह गई थी जो बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दीवार के पीछे रहने वाले लोग जाकर भी उस दीवार को पार करके बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि गवर्नमेंट ने टाइटंस के डर से दीवार के पास जाना भी डिसअलाउ किया हुआ था। और इस तरह से लोग बुरे लाइफ यानी मुश्किल में भी जिंदगी गुजारने पर राजी हो गए। दीवार के अंदर की दुनिया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। एरिया नंबर 3 फार्मर्स और वर्कर्स का था जो खेतों में काम करके सर्वाइव करते थे। एरिया नंबर 2 इंडस्ट्रियल था जहाँ पर फैक्ट्रीज लगाई गई थी। और एरिया 1 प्राइमरी था जहाँ पर अमीर लोग पूरे सिटी को कंट्रोल कर रहे थे और किसी को भी एक एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में जाने की इजाजत नहीं थी। एरिया नंबर 3 में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम एरिन था, वो काफी टैलेंटेड था और वो टाइटन से डर कर 4 दीवारी में प्रिजनर्स की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकता था क्योंकि उसमें हमेशा कुछ बड़ा करने की लगन होती है और उसकी डिजायर थी कि वो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करे। और अपनी इस ख्वाहिश को वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करता है क्योंकि वो टाइटन्स पर बिलीव नहीं करता था। वो यही सोचता था कि टाइटन एग्जिस्ट नहीं करते और उसे लगता था कि लोग टाइटन से डरते हैं इसीलिए यहाँ पर छुपे हुए हैं। इसके साथ साथ एरिन का जो मेल फ्रेंड होता है वो भी काफी टैलेंटेड होता है और किसी भी आम इंसान को कोई एक्सपेरिमेंट्स करने की इजाजत नहीं थी क्योंकि गवर्नमेंट का मानना ये था कि अगर इंसान अपनी सक्सेस के लिए कुछ करेगा तो वो गलत करेगा। वहीं पर एक लड़की जिसका नाम मिकासा होता है, एरिन और वो दोनों एक दूसरे को काफी लाइक करते थे और वो एरिन के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजारना चाहती थी। एरिन का फ्रेंड उससे मिलने जाता है और तभी वो एक अननोन पर्सन से टकरा जाता है लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, उसे इग्नोर करता है। एरिन खुद को उस जगह पर पाकर काफी लकी फील करता था क्योंकि वो दूसरी साइड वाले लोगों की दुनिया को देख सकता था। वो जगह एरिन की इसलिए भी फेवरेट थी क्योंकि वहाँ पर बॉम्ब मशीन पड़ी हुई थी और डर की वजह से कोई भी वहाँ पर नहीं आता था। और एरिन इस बार इरादा कर लेता है कि वो दूसरी साइड वाली जगह पर जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए और वो अपने फ्रेंड्स को भी इस बात पर एग्री कर लेता है। उस दीवार के पास आर्मी का पहरा था और वो फर्स्ट टाइम सोल्जर्स की नजरों से बचते हुए उस दीवार के काफी करीब आ जाते हैं लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ते वो पकड़े जाते हैं। उन सोल्जर्स का लीडर उन लोगों को बचा लेता है क्योंकि वो लीडर एरिन को काफी लाइक करता था और उन्हें पता था कि एरिन काफी इंटेलिजेंट है और वो एरिन के इस पैशन को अंडरस्टैंड भी करते थे। अभी वो लोग ये बातें डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि जमीन कांप उठती है और जब वो दीवार के ऊपर देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता जो वो देख रहे होते हैं क्योंकि पहली बार इतने खौफनाक डर से उनका सामना जो हो रहा था और वो एक मॉन्स्टर टाइटन था जो कि टाइटन से कई ज्यादा पावरफुल और बड़ा था और ऐसे मॉन्स्टर्स को जायंट्स कहते हैं और वो उस दीवार से भी काफी बड़ा होता है और आग का बना होता है और उस वक्त वो आग निकाल रहा था और अपने इतने बड़े बड़े पांव का इस्तेमाल करके वो दीवार को तोड़ने लगता है। वो लोग काफी डरे हुए और काफी हैरान होते हैं। आग के अटैक से काफी बुरा हाल हो चुका था। लीडर एक सोल्जर को ऑर्डर देता है कि वो बॉम्बिंग करना शुरू कर दे लेकिन वो सोल्जर उसे ये कहकर रोक देता है कि गवर्नमेंट ने हमें इन एक्सप्लोजिव का यूज करने से मना किया है और वो जायंट काफी बड़ा होल करके हवा की तरह गायब हो जाता है और वहाँ पर तूफान आने से पहले जैसी खामोशी छा जाती है और देखते ही देखते वो टाइटन्स मॉन्स्टर्स दीवार के उस होल से बाहर आने लगते हैं। दिखने में तो वो बिल्कुल इंसानों जैसे लग रहे थे लेकिन इंसानों की निस्बत वो काफी लंबे चौड़े थे और इंसानों को देखकर उनके फेस पर एविल स्माइल होती है कि जैसे वो इंसानों को अपना खाना समझ रहे हों। वो लीडर टाइटन्स पर बॉम्बिंग करने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये टाइटन्स इटर्नल हैं, यानी ये एक ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें कभी नहीं मारा जा सकता और टाइटन्स की बॉडी के जख्मी पार्ट्स खुद ब खुद रिस्टोर होने लगते हैं। अब क्योंकि टाइटन्स तादाद में काफी ज्यादा थे तो वो लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इंसान उसके आगे काफी छोटा दिख रहा था और वो इंसानों को ऐसे समझ रहे थे कि जैसे इंसान पांव में आने वाले कीड़े मकोड़े चींटियां हैं जिन्हें मसल दिया जाए। खेलने वाले
खिलौने हैं, और यही नहीं बल्कि इंसान उनके लिए किसी बारबेक्यू से कम नहीं थे, क्योंकि वो उन्हें ऐसे ही पकड़ पकड़ कर खा रहे थे। सोल्जर्स इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो टाइटन्स का खाना बनने से ज्यादा सुसाइड को प्रेफर करते हैं और अपने आप को मार डालते हैं। टाइटन्स ने पूरे सिटी में तबाही मचा दी थी। लोग या तो टाइटन्स का शिकार होकर या लोगों की अफरा तफरी में कुचल कर मरने लगते हैं, और उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक ही जगह मिलती है, जो कि सिटी का बहुत बड़ा हॉल था। लोग सिर्फ खुद को सेफ करने के लिए दूसरों की जान की परवाह किए बगैर जबरदस्ती अंदर घुसने लगते हैं, और एरिन और मिकासा भी खुद को सेफ करने के लिए ऐसा ही करते हैं। मिकासा एक छोटे बच्चे को उसकी माँ के साथ देखती है तो उसे उन लोगों पर तरस आता है, और वो उस बच्चे को सेव करने की वजह से बाहर ही रह जाती है, और एरिन लोगों की भीड़ में घसीटते हुए हॉल के अंदर चला जाता है और हॉल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। एरिन उस हॉल के डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। मिकासा ने उस छोटे बच्चे को पकड़ा होता है और एक टाइटन मिकासा की तरफ ही आ रहा होता है। एरिन जो कि मजबूर होता है और कुछ भी नहीं कर पाता, और टाइटन मिकासा और उस बच्चे दोनों को निगल जाता है, और अचानक से वहां पर खामोशी छा जाती है। एरिन किसी तरह जबरदस्ती करके उस हॉल से बाहर आ जाता है, और वो देखता है कि जिस हॉल में सर्वाइवर्स छुपे हुए हैं, टाइटन्स उस हॉल के चारों तरफ से घेरे हुए खड़े हुए हैं, और टाइटन्स उस हॉल की छत को तोड़कर लोगों को खाने लगते हैं, और तेजी से लोगों का खून बहने लगता है जैसे खून की नदी बह गई हो। हालात से तंग एरिन सिटी की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम 2 साल बाद के टाइम को देखते हैं, जहां हमें एरिया 2 यानी इंडस्ट्रियल एरिया दिखाया जाता है। ये लोग सेफ थे क्योंकि मजबूत दीवार की वजह से जायंट के हमले से बच गए, और जो लोग पिछले हमले के सर्वाइवर्स थे वो भी यहां आकर बस गए, क्योंकि एरिया 3 यानी नेबर्स एरिया में अभी भी टाइटन्स थे। अब क्योंकि उस एरिया में आने से लोगों की आबादी बढ़ गई थी, तो खाने पीने की किल्लत पड़ जाती है, लोग भूख की वजह से मरने लगते हैं। अब एरिया 3 के बाकी सर्वाइवर्स के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था अपने एरिया को टाइटन से बचाने का, यानी टाइटन्स का मुकाबला करके वो अपने एरिया को बचा सकते हैं। टाइटन से लड़ने के लिए सोल्जर्स की एक टीम तैयार की जाती है, जिनको 2 साल की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसमें एरिन और उसका फ्रेंड भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि मिकासा की मौत का बदला लेना चाहते थे वो लोग। एरिन को मिकासा की डेथ पर गिल्ट था कि उसने मिकासा को नहीं बचाया। उन लोगों को एक कमांडर लीड कर रहा था जिसका नाम कुबाल था। कमांडर कुबाल प्लान बनाता है कि वो अपने मिशन के लिए रात के अंधेरे में निकलेंगे। उनका मिशन ये था कि वो एरिया 3 के बड़े होल जहाँ से वो टाइटन्स आए थे उसे ब्लास्ट की मदद से बंद करने का। प्लान के अकॉर्डिंग वो हॉल के ऊपर वाले पार्ट पर ब्लास्ट करेंगे, जिससे होगा ये कि वो टूटा हुआ मलबा नीचे गिरेगा और उससे वो हॉल बंद हो जाएगा। और क्योंकि वो दीवार काफी मजबूत है, तो ब्लास्ट की बावजूद भी टाइटन्स वहां से नहीं आ पाएंगे, और अगर वो इस मिशन में सक्सेसफुल हो गए तो वो उन टाइटन्स को मार सकते हैं। और उन लोगों की आखिरी उम्मीद यही एक्सप्लोजिव था, यानी इस मिशन में या तो वो मार डालेंगे या मारे जाएंगे। वेपन्स हेड सब सोल्जर्स को अपने बनाए गए खास न्यू वेपन के बारे में बताती है, जिसकी मदद से वो हवा में उड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि टाइटन्स की नेक पर अटैक करके उन्हें मारा जा सकता है और वो टाइटन्स दोबारा जिंदा भी नहीं होंगे। प्लान के मुताबिक वो रात के अंधेरे में अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही उन्हें रास्ते में कुछ अजीब फील होता है, और वो लोग चेक करने के लिए जाते हैं कि आखिर क्या गड़बड़ है। वो समझते हैं कि वो सिर्फ काउस की आवाज है, और जब उन्हें रियलाइज होता है कि सब ओके है तो वो चल पड़ते हैं। फिर एक लेडी को किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, और वो सोचती है कि बच्चा मुसीबत में है और उसे हेल्प की जरूरत है, और वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे चेक करने के लिए जाती है। एरिन भी उसके पीछे पीछे जाता है, और जब उन्हें बच्चा मिल जाता है तो वो देखते हैं कि ये तो टाइटन का बच्चा है, और वो जायंट बच्चा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरते ही वो जोरों से रोने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सब टाइटन जाग जाते हैं और उधर आने लगते हैं और उन लोगों को घेर लेते हैं, और अब वो लोग काफी बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे, क्योंकि उनका सेल्फिश कमांडर कुबाल उन्हें इस मुसीबत में छोड़कर वेपन्स वाली गाड़ियां लेकर वहां से भाग चुका था। एरिन के फ्रेंड को टाइटन्स पकड़ लेते हैं, लेकिन वो दूसरा सोल्जर आकर उसे बचा लेता है, और अब वो लोग पूरी तरह से टाइटन से घिर चुके थे, और अचानक से वहां पर टैलेंटेड टाइटन्स का शिकारी शिकिशिमा वहां पर आता है, और उसने तकरीबन 10 से 15 टाइटन्स को मार डाला था। और शिकिशिमा के साथ एक और बहादुर सोल्जर थी, और वो थी मिकासा। जी हाँ, वो जिंदा थी। दोनों मिलकर बहादुरी से अपने
फास्ट वेपन्स का यूज करके टाइटन्स को मार डालते हैं। टाइटन्स को मारने के बाद वो अपने टारगेट यानी दीवार के उस होल के पास जाते हैं। लेकिन हैरत की बात ये थी कि मिकासा एरिन को अपने कोई भी फीलिंग्स नहीं दिखा रही थी, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद वो सिर्फ अपना बदला लेना चाहती थी। मिकासा को वो टाइटन निकल चुका था, लेकिन शिकिशिमा ने उसे बचाया और टाइटन से लड़ना सिखाया। टाइटन से लड़ने का एक सीक्रेट बताता है कि अपने गुस्से को आजाद छोड़कर टाइटन्स पर टूट पड़ो और मुकाबला करो। वो एक बात और बताता है कि इंसान का दुश्मन टाइटन से ज्यादा डर है, जो कि उसे जीतने पर मजबूर करता है। तभी उनका सेल्फिश कमांडर को बार वहाँ पर आता है। वो कहता है कि मिशन के लिए जो फास्ट वेपन्स हमने यूज करनी थी वो हमारी सीक्रेट जगह पर नहीं मिले, बल्कि वो अंडरग्राउंड केव्स में थी, और मैं उन एक्सप्लोजिव्स को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मुझे जाना पड़ा, क्योंकि हमें कोई तो चीटर है जो वो वेपन चुरा सकता था और एक्सप्लोजिव को खोने का रिस्क वो नहीं ले सकते। वो लोग वेपन्स को लोड करने लगते हैं, लेकिन टाइटन्स उनकी आवाजों को सुन लेते हैं और अचानक वो टाइटन्स दो लोगों को खा जाते हैं। वो सब लोग काफी घबरा जाते हैं, लेकिन लार्जी लीडर को एक्सप्लोजिव की पड़ी हुई थी और कोई चोर उनके वेपन्स एक्सप्लोजिव से भरी हुई गाड़ियां चुरा कर ले जाता है। और एक लेडी जिसके हस्बैंड को टाइटन्स खा चुके थे गुस्से में आकर वो उस चोर से एक्सप्लोजिव वाली गाड़ी छीन लेती है और एक्सप्लोजिव को बचाए सेव करने के वो उसमें आग लगा देती है और अपने हस्बैंड का रिवेंज लेने के लिए टाइटन्स के बीच में ट्रक को क्रैश कर देती है। लेकिन इतने हैवी ब्लास्ट से भी टाइटन्स को कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी आखिरी उम्मीद एक्सप्लोजिव भी अब खत्म हो चुका था। बाल भी उन्हें मरने के लिए मुसीबत में छोड़कर चला जाता है और वो लोग टाइटन्स के बीच में पूरी तरह से फंस चुके थे। हेरिन भी अब हिम्मत हार चुका था, लेकिन फिर उसे शिकिशिमा के गुस्से वाली बात याद आ जाती है और वो अपने गुस्से को आजाद छोड़कर टाइटन से मुकाबले के लिए जाता है और वो उन टाइटन्स का मुकाबला करते हुए कुछ टाइटन्स को मारने में कामयाब भी हो जाता है। और फिर फाइट के दौरान टाइटन से मुकाबला करते हुए उसका एक पांव टूट जाता है और एक टाइटन एरिन के फ्रेंड को पकड़ लेता है। सब लोग एरिन के फ्रेंड को बचाने के लिए लड़ते हैं ताकि वो टाइटन उसे निगल ना जाए। एरिन अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था और वो डिसपॉइंट हो चुका था कि वो किसी भी तरह लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो फिर भी हार ना मानते हुए हिम्मत करके उठता है और बिल्कुल ठीक वक्त पर वो अपने फ्रेंड को उस टाइटन का खाना बनने से बचा लेता है। लेकिन उसे सेव करते करते वो अपना एक हाथ भी खो बैठता है और आखिरकार एक टाइटन उसे निगल लेता है और एरिन देखता है कि वो इस खतरनाक टाइटन के पेट में आ चुका है और आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट हो रहा है। ये देखकर मिकासा कंट्रोल से बाहर होकर उस टाइटन पर अटैक कर देती है, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी और मिकासा क्रैश हो जाती है क्योंकि उसका गियर खराब हो चुका था। और अब मिकासा को अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी क्योंकि वही टाइटन उसकी तरफ भी आ रहा था। लेकिन अचानक से टाइटन को अपने पेट में कुछ अजीब सा फील होता है और एक काफी बड़ा मॉन्स्टर उस टाइटन के मुंह को चीरते हुए बाहर आ जाता है और एक एक्सप्लोजन से काफी बड़ा जायंट पैदा होता है और ये जायंट बाकी टाइटन्स को मारता जा रहा था। फिर ध्यान से देखने पर उन लोगों को पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये तो एरिन है और फिर वो बाकी जायंट्स की तरह कमजोर होकर मरने लगता है। और तभी वो कमांडर जो एरिन के टैलेंट को समझता था वो एक बात कहता है जो किसी को भी समझ में नहीं आती। वो कहता है कि इसकी नेक का पीछे वाला हिस्सा काट दो। अब किसी को उसकी बात समझ में तो नहीं आती, लेकिन फिर भी मिकासा ऐसा ही करती है और वहाँ से एरिन निकलता है। और हैरानी वाली बात तो ये है कि उसका टूटा हुआ हाथ और पांव अब रिजनरेट हो चुके थे। ये देखकर सब लोग काफी हैरान रह जाते हैं और किसी अननोन रीजन की वजह से शिकिशिमा स्माइल करता है जैसे वो पहले से ही जानता था कि ऐसा होने वाला है। इसके बाद हमें एरिन के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरिन के फादर जो कि साइंटिस्ट थे एरिन में किसी वजह से कोई वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं जिसमें वो कमांडर भी उनके साथ थे। एरिन की मदर उन लोगों को ऐसा करने से मना करती है जिसके जवाब में वो कहते हैं कि इस वैक्सीन की वजह से एरिन बड़े होकर लोगों की जिंदगी बचाने में एक बड़ा रोल अदा करेगा। इतनी ही देर में कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स उनके दरवाजे पर नॉक करते हैं और एरिन के फादर एरिन और उस कमांडर को एक रूम में छुपा देते हैं। उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स में कुबार भी शामिल था। उन लोगों को पता चलता है कि एरिन के फादर किसी खुफिया एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं और आम लोगों को तो किसी इन्वेंशन एक्सपेरिमेंट्स की इजाजत नहीं थी। और पनिशमेंट के तौर पर वो ऑफिसर्स एरिन के पेरेंट्स को अरेस्ट करके ले जाते हैं और साथ ही उनके एक्सपेरिमेंट्स को भी जला दिया जाता है। और यही वजह थी कि वो कमांडर एरिन को इतना लाइक करते थे उसकी इस खूबी की वजह से। और उन्हें ये भी पता था कि इस वैक्सीन की वजह से एरिन और ज्यादा पावरफुल बन गया ताकि वो लोगों की जिंदगियों को सेव कर सके। एरिन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि कुबाल ने उसे कैद किया
हुआ है। और एरिन को खुद भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो वाकई एक जॉइंट भी बदल गया था, लेकिन साथ साथ उसे खुद पर प्राउड भी फील हो रहा था कि आखिर उसमें एक ऐसी खूबी है जो कि टाइटंस के खिलाफ इंसानों की मदद करने में इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती है। लेकिन एरिन को बाल के लिए एक खतरा था जिसकी वजह से उसे प्रिजनर बना के रखता है, क्योंकि वो सोचता था कि इंसानों को नए एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इंसानों को डरपोक बनकर डरते हुए इस दीवार के पीछे जिंदगी गुजारनी चाहिए। वो कमांडर जब एरिन की फेवर में बोलता है तब कुबाल उसे शूट करके मार डालता है। लेकिन मरने से पहले वो कमांडर एरिन को एक राज की बात बताता है कि कुबाल ही तुम्हारे पेरेंट्स का कातिल है। ये सुनते ही एरिन और उसके साथी कुबाल के अगेंस्ट हो जाते हैं और तभी अचानक से वहाँ पर पावरफुल जॉइंट जंप करके आ जाता है और वो आते ही सबसे पहले एरिन को पकड़ लेता है। वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सबको अपने रास्ते से हटा रहा था। वो एरिन के एक फ्रेंड को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन मिकासा उसे ऐसा करने से रोक देती है और ऐसा लग रहा था कि शायद वो मिकासा की बातों को अंडरस्टैंड कर रहा था और वो एरिन को अपने साथ लेकर निकल जाता है और इस सारी फाइट में कुबाल मारा जाता है। अब क्योंकि एरिन भी उनके पास नहीं था तो उन्हें समझ में नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। फिर एरिन के फ्रेंड को याद आता है कि उनके पास अभी भी एक एक्सप्लोजिव है जिसे वो यूज करके अभी भी अपना मिशन पूरा कर सकते हैं और वो सब लोग बॉम्ब को रिकवर करने के लिए एरिया 3 में चले जाते हैं। एरिन की आंख एक काफी बड़े और अजीब से रूम में खुलती है और उस रूम में कुछ चीजों के अलावा शिकेशिमा भी था और यहाँ पर शिकेशिमा बहुत सी बातों को रिवील करता है कि ये टाइटंस इंसानों के ही बनाए गए हैं जिनको किसी और ने नहीं बल्कि एरिन के फादर ने ही बनाया था और उन्होंने ये टाइटंस आर्मी वेपन्स के लिए बनाए थे लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है जिसका बैड इम्पैक्ट ये पड़ा कि वायरस तेजी से इंसानों में फैलता गया और इंसान तेजी से टाइटंस में बदलते गए और उन्होंने दुनिया में तबाही मचा दी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। और मुसीबत की बात ये है कि ये टाइटंस बगैर कुछ खाए पिए भी जिंदा रह सकते हैं, यानी ये कभी भी मरने वाले नहीं है। और इन्हें मारने का सलूशन सिर्फ और सिर्फ एरिन के फादर के पास था जो उनके साथ ही मर गया और अगर गवर्नमेंट उन्हें इन एक्सपेरिमेंट से ना रोकती तो शायद आज टाइटंस को मारने का कोई तो हल होता। और एरिन के फादर ने अपने बेटे को ही चूज किया जिसके अंदर उस वैक्सीन को इंजेक्ट किया ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके और टाइटंस के अगेंस्ट लड़ सके। और एरिन कभी भी नहीं मर सकता और जब चाहे वो जॉइंट में बदल सकता है। शिकेशिमा ये भी बताता है कि ये वही है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है और उसके साथ ही नहीं वेपन्स चुराने की कोशिश की थी। एरिन शिकेशिमा की बातों से इंप्रेस होकर उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। एरिन के पार्टनर्स किसी तरह टाइटन से बच कर बॉम्ब के पास जाते हैं और बॉम्ब को ट्रक पर लोड करने के बाद वो दीवार की तरफ बढ़ते हैं लेकिन रास्ते में ही शिकेशिमा उन्हें रोक लेता है। उसका प्लान ये था कि वो इस बॉम्ब की मदद से एरिया ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देगा और दीवार गिर जाने की वजह से लोगों को ना चाहते हुए भी टाइटन से लड़ना पड़ेगा और जब वो टाइटन्स को मारने में कामयाब हो जाएंगे तो वो लोग बाद में गवर्नमेंट को ही खत्म कर देंगे क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से ही उन्हें इन हालात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एरिन और उसके फ्रेंड उसकी इस बात पर इसीलिए एग्री नहीं कर रहे थे क्योंकि इसमें बेकसूर लोग मारे जा सकते थे और इसीलिए एरिन और शिकेशिमा में फाइट हो जाती है। शिकेशिमा जल्दी से खुद को मार कर जॉइंट में तब्दील कर लेता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि शिकेशिमा में भी वो खूबी थी कि वो टाइटन बन सकता था और ये वही जॉइंट था जो एरिन को किडनैप करके ले गया था और टाइटन बनने के लिए उन्हें अपनी ही जान लेनी पड़ती है। और जब वो एक बार टाइटन बन जाते हैं तो उनकी असली बॉडी नेक के पीछे टाइटन वाले रोग को कंट्रोल करती है लेकिन इन जॉइंट्स की लाइफ टाइटन्स की निस्बत काफी कम होती है क्योंकि ये वैक्सीन से बने होते हैं क्योंकि बाकी टाइटन्स वायरस फैलने से बने थे इसीलिए वो नहीं मरते। एरिन और शिकेशिमा के बीच जोरदार फाइट होती है। शिकेशिमा एरिन पर भारी पड़ जाता है लेकिन बाद में एरिन अपनी फाइटिंग स्किल से शिकेशिमा को हरा देता है और एरिन प्लान के मुताबिक बॉम्ब को दीवार के ऊपर वाले पार्ट में ब्लास्ट करने में कामयाब हो जाता है और तब वो सब हैरान रह जाते हैं ये जानकर कि कुबाल मरा ही नहीं था और वो कहता है कि एरिन को मेरे हवाले कर दो क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी इंसानों की हेल्प करे बल्कि इंसानों को डर कर दीवारों के पीछे ही छुपे रहना चाहिए। और गुस्से में आकर एक फीमेल
सोल्जर गोपाल को मार डालती है। और यहाँ ये बात भी रिवील हो जाती है कि मूवी के स्टार्ट में हमने जो टाइटन यानी जो किंग जायंट देखा था वो कोई और नहीं बल्कि वो गोपाल था। गोपाल जायंट में बदल कर उनके मिशन को रोकने की काफी कोशिश करता है। तब शिकिशिमा उनकी हेल्प करने पर एग्री हो जाता है और अपनी जान की परवाह किए बगैर बॉम्ब को किंग टाइटन यानी गोपाल के मुंह में घुसा देता है और वहाँ पर एक्सप्लोजन की वजह से किंग टाइटन की मौत हो जाती है और एक्सप्लोजन की वजह से बनने वाले मलबे से वो बड़ा सा हॉल भी बंद हो जाता है। वो सब लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अपने मिशन को अचीव कर चुके थे और एरिन और मिकासा का समंदर और उड़ते हुए बर्ड को देखकर ड्रीम पूरा हो जाता है और उनके ड्रीम के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।